एक सवाली बन के आई हूँ। हाँ करके मेरे लगते जगन शामी कबाब बनन तो बचा ला मुमताज, ये तू मेरा नाम भी जाननी है माई जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंडरी एक्ट्रेस मुमताज़ साहिबा अपने हीरो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं। उनके हमरा उनके साहबजादे ज़ीशान राहिल बारी साहब हैं। जी ये बरकत बेबी साहिबा मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की वालदा, ये उनकी साहबजादी, जैसे वो यहाँ पे खातून थी उन्होंने हमें बताया। ये मजीद ज़रीफ़ साहब, मुमताज़ जी मुनव्वर ज़रीफ साहब के अलावा किस भाई के साथ काम किया था आपने? मजीद साहब के साथ। अच्छा मजीद साहब जी। इधर मुनीर ज़रीफ साहब, उनके साथ भी किया था। अच्छा मुनीर साहब के साथ भी, के साथ भी थोड़ा बहुत काम किया। ये मुनीर ज़रीफ साहब, साथ में इबन के भाई ये मोहम्मद रशीद इबन, हाँ जी ये भी भाई हैं, मोहम्मद सदीक, ये ज़रीफ साहब हैं जी। अच्छा, मुनव्वर ज़रीफ साहब के पहले बड़े सबसे भाई। बड़े भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, खुशनसीबी है तो मैं आज इनके कब्र पे मौजूद हूँ। और ज़रीफ साहब ने कॉमेडी का जो ट्रेंड था वो स्टार्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सिलसिला आपने स्टार्ट किया है, ये जो आप अपने हीरो को ट्रिब्यूट दे रही हैं उनकी आखिरी आरामगाह पर जाकर। और ये पहली बार हुआ, मैंने जैसे पहले वीडियोस में भी बताया कि पहली बार हो रहा है कि कोई हीरोइन अपने तमाम तर हीरोज़ की कब्रों पे जा रही है। जो प्रोग्राम हमारे पेंडिंग रह जाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपके नेक्स्ट टूर में होंगे। तो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब तो हमारे कॉमेडी की शहनशाह ज़राफ़त जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके हवाले से कोई यादें शेयर करें, आपने तो बड़ा काम भी किया इनके साथ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी बख्शी, सेहत बख्शी, और आज मैं उनकी कब्र पे आई और दुआ पढ़ी और अच्छा भी लग रहा है और उनकी बातें उनकी कहानियाँ भी याद आ रही हैं। एक फ़िल्म थी नौकर वाटीदा, उसमें एक सीन था जिसमें मुझे बेतहाशा हंसना था, तो मैं हंसती थी तो हैदर चौधरी साहब कह देते थे कट कट कट, नहीं 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 झूठा लग रहा है झूठा लग रहा है। एक दो तीन चार फिर मुनव्वर ज़रीफ़ साहब सुन रहे थे कि वो दो रिटेक्स हो गई, तीन हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब रिटेक नहीं होगी। वो आए और उठ के मेरे कान में उन्होंने कोई जोक सुनाया और वो मैं बेसाख्ता इतनी हंसी, मुझे आज भी लोग पूछते हैं, शायद आपने भी पूछा था कि वो कौन सी बात जी है जी। तो इस तरह के थे और तंग बहुत करते थे, कभी फिनी कहते थे, कभी मेमनी कहते थे, कभी गोरी, पता नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे। आर्टिस्ट तो सारी दुनिया जानती है कि उन जैसा ना कोई था और ना होगा, ना आने वाली सदियों में मुनव्वर ज़रीफ पैदा हो सकता है, लेकिन दिल के भी वो बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करने वाले थे, बहुत रिस्पेक्ट देने वाले थे और बड़ी हेल्प करने वाले थे। वो आर्टिस्टों की, मैं भी जूनियर थी तो बड़ी हेल्प करते थे बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मुमताज़ जी आपका जो पहला सुपरहिट सॉन्ग था जी वो इन्हीं के साथ, आँख लड़ी बदोबदी, वो इन्हीं के साथ। तो
वो तो उस वक्त तो आपका स्टार था, बिल्कुल और सुपर स्टार थे। हाँ जी, आप आई और फिर उसके बाद छा गई आप, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक सॉन्ग था आपका जिंदगी तमाशा बनी, वो भी इनके उसमें साथ भी इनके साथ आपका जो है था, तो वो भी बड़ी अच्छी एक स्टोरी थी और बड़ी सुपरहिट वो फिल्म थी। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली कि वो ब्लैक एंड व्हाइट रह गई। जी जी, उसको पता नहीं क्यों, हालांकि उस वक्त कलर का दौर था। जी जी, कलर ही बनी। आप ब्लैक एंड व्हाइट दौर में आई नहीं ना? जी नहीं, आप तो कलर दौर में आई हैं, पर वो बदकिस्मती कि उस वक्त उसको डेवलप नहीं किया गया, फिर कलर में नहीं किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, उस वक्त कलर की जो फिल्म की जो वो क्या कहते हैं टोटल होता था वो ज्यादा था, कॉस्टली था, और ब्लैक एंड व्हाइट का कम पैसा लगता था, तो चॉइस साहब ने ब्लैक एंड व्हाइट चूज किया। उन्होंने कहा ये थोड़े जो पैसे जी बन जाएगी। हाँ जी, तो इस तरह उन्होंने फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट ही बना दी। हाँ जी, ज़ीशान साहब आप बताइएगा कि मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की आखिरी आरामगाह पे आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो देखें, हम ने काफ़ी काम किए हैं उनके साथ और काफ़ी कहानियाँ मुझे सुनाई हैं, लेकिन जो मैंने उनका ख़ुद काम देखा है उससे उनकी जो कॉमेडिक टाइमिंग थी वो बस ज़बरदस्त थी, और वो इंशाल्लाह हम भी उसको फॉलो करेंगे और दुआ करते हैं कि बस जन्नतुल्फिरदौस में उनको जगह मिले। आमीन। और शाह जी, वो डायलॉग की जो जो स्क्रिप्ट के डायलॉग्स थे उनके वो रिहर्सल ज़रूर करते थे, ताकि हमें क्यों मिले कि इसके बाद मैंने बोलना है या किसी और आर्टिस्ट ने बोलना है। जब टेक होती थी तो वो डायलॉग उनके चेंज हो जाते थे। जी जी, तो मैंने उनको कहा कि आप गलत करते हैं, आप मेरे साथ ऐसे ना करें। कहते हैं कसम ले लो, यकीन करो कि ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ताला मुझे नवाजता तुम, और वो उससे बेहतर डायलॉग होते थे। हाँ जी। और फिर मैंने कहा ना मुझे क्या पता चलेगा कि आप कब आपका डायलॉग है। कहते नहीं नहीं, फिक्र ना करो, मैं ऐसा करूँगा कि तुझे पता चल जाएगा कि अब आपकी बारी है। तो इतने अच्छे आर्टिस्ट थे वो, इतने अच्छे। मुनव्वर ज़रीफ साहब हमें बहुत जल्दी छोड़ के चले गए, बहुत जल्दी, बिल्कुल। और उनकी कमी, उनकी खला कोई भी पूरी नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और इनके साहबजादे भी बड़ी यंग एज में चले गए, फैसल साहब। सही बात। और अल्लाह ताला मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को जवारे रहमत में जगह दे। आमीन आमीन। और मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा सूरह फातिहा आप भी पढ़ लें। जी सर। और जितने मेरे देखने वाले हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है तमाम तर उनके लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा और तीन दफ़ा सूरह इख़लास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। अल्लाह पाक शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के दर्जात बुलंद करें। आज हम बीबी पाक दामन लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे लेजेंड एक्टर मुनव्वर ज़रीफ़ साहब आसूदे खाक हैं, और मुमताज़ साहिबा की इस काविश को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा। और मैं हर वीडियो में कह चुका हूँ कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि उन्होंने मुझे चूज़ किया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़। निशान साहब, आपने भी हर वीडियो में साथ दिया, आपका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।